जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पांडे बिहारी में। सबसे पहले दोस्त, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जो जितने भी मैंने बिजनेस आइडियाज़ नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो आज मैं दोस्त आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टॉप 6 बिजनेस जो आप लोग करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, वीडियो को शॉर्ट करते हुए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो 6 बिज़नेस कौन सा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्त हम छठे बिज़नेस से, जो इस प्रकार हैं। 6 नंबर बिज़नेस है वेजिटेबल शॉप बिज़नेस। वेजिटेबल शॉप बिज़नेस आज का और हमेशा से बहुत सारा डिमांडिंग बिज़नेस रहा है दोस्त। तो वेजिटेबल शॉप बिज़नेस के लिए आप 3 से 5 हज़ार तक की लागत लगा के काफ़ी ज़्यादा अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। आप होम डिलीवरी कर सकते हैं इसका, इसके बाद स्टोर लगा के भी बिज़नेस कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग रहा है ये बिज़नेस। होम डिलीवरी भी कर सकते हैं, इसका स्टोर लगा के भी ये बिज़नेस कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्त हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा बिज़नेस है 5वां नंबर बिज़नेस, वह है फ्रूट शॉप बिज़नेस। जी फ्रूट शॉप बिज़नेस का भी वही कहानी है कि 3 से 5 हज़ार स्टार्टिंग में आप लगा सकते हैं और इसे स्टार्ट कर सकते हैं आप होम डिलीवरी भी और स्टोर लगा के भी। तो ये दोनों का आप स्टोर लगा सकते हैं और होम डिलीवरी भी कर सकते हैं। अब 4वां नंबर बिज़नेस आइडिया के बारे में दोस्त बताने से पहले मैं बता दूं कि 4वां नंबर बिज़नेस आइडिया जो है वो इस प्रकार है, ग्रॉसरी शॉप बिज़नेस। ग्रॉसरी शॉप बिज़नेस का भी आजकल काफ़ी डिमांड रहा है, ये लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहा है ग्रॉसरी शॉप बिज़नेस का। जी हाँ दोस्त, अभी जितने भी हमारे बेरोज़गार भाई हैं वो आप लोग मिनिमम अमाउंट से, मतलब कि 10,000-20,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं ग्रॉसरी शॉप बिज़नेस। ग्रॉसरी शॉप बिज़नेस में भी आप होम डिलीवरी और ये स्टोर लगा के अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। कम पैसों में बहुत अच्छा मुनाफा देने वाला ये सब बिज़नेस है भाई। अब हम लोग तीसरा बिज़नेस के बारे में बात करते हैं, तो वो है मोबाइल शॉप बिज़नेस, जो कि हमेशा से ये बिज़नेस डिमांड में रहा है। ये मोबाइल शॉप बिज़नेस जो है भाई, वो आप किस्त पे भी दे सकते हैं, EMI पे भी दे सकते हैं और कैश ऑन डिलीवरी भी दे सकते हैं, कैश लेके भी दे सकते हैं और EMI पे भी दे सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी वैसे भेज सकते हैं। तो इसका भी मिनिमम अमाउंट से अच्छा खासा स्टोर लगा के एक बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है। अब दूसरा नंबर बिज़नेस के बारे में हम बता दें दोस्तों, दूसरा नंबर का बिज़नेस जो है वो है हमारा टी शॉप बिज़नेस। जी हाँ दोस्त, टी शॉप बिज़नेस आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहा है, आजकल और हमेशा से डिमांड में रहा है। आप या तो इसका होम डिलीवरी भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी जा कर डिलीवरी कर सकते हैं और एक शॉप लगा के भी कर सकते हैं। टी शॉप बिज़नेस आपका मिनिमम अमाउंट 3,000 से 5,000 में स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्टिंग के दौर से ही अगर आप ऑफिस, मॉल और जितने भी मतलब कि प्राइवेट संस्थान हैं, निजी संस्थान हैं, सरकारी संस्थान हैं, सभी में अगर स्कूल है, कोचिंग है, इसमें अगर आप जाके डिलीवरी करते हैं तो सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाला ये बिज़नेस है टी शॉप बिज़नेस। अब नंबर 1 बिज़नेस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं दोस्त। नंबर 1 बिज़नेस हमारा जो है वो है, जो कि उन महिलाओं के लिए हैं जो अपने घर से बिज़नेस करना चाहती हैं, उनके लिए है दुल्हन मेहंदी मेकअप बिज़नेस। जी हाँ दोस्त, दुल्हन मेकअप मेहंदी बिज़नेस जो है वो सबसे ज़्यादा डिमांड में रही है। दुल्हन मेहंदी मेकअप बिज़नेस का जो अभी है वो आप घर से भी कर सकते हैं और मतलब कि अपने घर पे बुला के भी दुल्हन को सजा सकते हैं, या फिर ऑर्डर लेके उसके घर पे जाके भी सजा सकते हैं और इसके बीच का जो मुनाफा है वो आप कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैं उन महिलाओं से कहना चाहूँगा जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती है, वो यहाँ से भी अपना मुनाफा कमा सकती है और जाके भी उसके यहाँ मेहंदी लगा के और दुल्हन को सजा के उसके बीच का मुनाफा, वही बीच का मुनाफा कमा सकती है और चार्ज डिमांड कर सकती है, जो कि सबसे उभरता हुआ बिज़नेस है। अगर
आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट योर फर्स्ट बिजनेस आइडिया, जो बिज़नेस आइडिया अच्छा लगे हैं वो बिज़नेस आइडिया के बारे में कमेंट करिए, और ये भी मुझे सजेस्ट करें दोस्त कि अगला किस बिज़नेस के बारे में मुझे बनानी चाहिए और क्या डिमांड है मार्केट में। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।